Hello, good morning students. Today we will study class 7 English, chapter 7, the invention of Vitavong from honeycomb. Who are the oldest people you know? Suppose aap kaun sabse oldest people ko jante ho? What are the oldest thing you have? Hamare paas sabse purani cheez kya hai? In your house, in your city, aapke ghar mein, aapke shahar mein, टाउन और विलेज आपके गांव में, हाउ ओल्ड आर दे, कितने बूढ़े हैं वो, कितना एज है उनका. हैव यू एवर विश दैट यू वेयर ओल्डर, क्या कभी आप बच्चे हैं तो कभी आपने विश किया कि मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा हो जाऊं, या कभी आपने विश ऐसा किया कि मैं बहुत जल्दी जो बड़े लोग हैं कि विश हो जाए तो ग्रो, और छोटे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँ, बड़े हैं तो मैं छोटा हो जाऊँ, ऐसा कुछ विश किया. तो ये स्टोरी है एक द इन्वेंशन ऑफ विटावोंग का. यहाँ पे एक मिस्टर मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका बाइट. यहाँ पे विली वोंका जो है एक इन्वेंटर है, इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं वो. ही हैज़ बीन इन्वेंटेड, उन्होंने क्या बनाया, आविष्कार किया वोंका वाइट का. किसका? वोंका विटा वाइट का, विच मेक्स पीपल यंगर, जो पीपल को यंग बना देता है. उसको पीने से क्या हो जाता था, विटावोंग ऐसा बनाया कि जिसको पीने से लोग यंग हो जाए. बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग, जो वोंका वाइट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. सो सम पीपल डिसअपियर, बिकॉज, और जब किसको पिला दिया तो वो बिल्कुल डिसअपियर, डिसअपियर हो गया मतलब गायब हो गया. बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, अब कोई 10 साल का व्यक्ति है, उसने यदि विटावोंगों को ज़्यादा पी लिया तो वो क्या हो गया, माइनस में चला गया उसकी एज. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, एक आदमी था जो माइनस 87 का एज हो गया. विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. अब उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा तब वो जाकर अपने जगह पर पहुंचेगा, है ना. वो माइनस में उसकी एज हो गई थी. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग, अब वो कह रहे हैं विली वोंका जो है उसको न्यू थिंग इन्वेंट करना चाहिए. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप, अब उनको लगा कि अब ये तो यंग बनाने वाली थी, अब उनको लगा कि मुझे कुछ और चीज़ इन्वेंट करना चाहिए. आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, रोल्ड अप स्लीव्स मतलब वॉज रेडी टू फेस चैलेंज, अब दोबारा नई चुनौती को स्वीकार करना इसका मतलब होता है. रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, और अपने काम में लग गए. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द अप, थोड़ा स्क्वीज मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा अपन दिमाग को प्रेशर डालना कि अब क्या आइडिया आए कुछ. सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, अब मैं न्यू रेसिपी की खोज में लग गया. आई हैड क्रिएटेड एज टू मेक पीपल ओल्ड, अब ओल्डेस्ट, हा हा हा, मैंने एक मतलब लोगों को क्या ओल्डर बना दे रहा था. आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज बनाना है, कैसा एज बनाना है, लोगों को मैं बूढ़ा कर दूँ, यदि छोटा सा बच्चा है तो मैं उसको ऐसी दवाई बनाऊँ कि लोग बूढ़े हो जाए जल्दी. पहले यंग वाली बनाई थी, अब वो ओल्डेस्ट वाली दवाई बनाना चाहते हैं. हा 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 आई क्राइड, वो जो जो से चिल्ला रहे हैं इस तरीके से, है ना. फॉर नाउ द आइडियाज वी आर बिगनिंग टू कम, अब उनके पास नए नए, हा हा, खुश हो गए, मेरे पास नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं. वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, वो सोच रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग दुनिया में क्या चीज़ है. वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनी थिंग्स, और क्या चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन तक रहती है. अ ट्री, चार्ली सेड, एक चार्ली उनके साथ था, उसने कहा एक पेड़ है, ट्री है, वो रहते हैं वहाँ पे. राइट यू आर चार्ली, तो कहते हैं ठीक बोल रहे हो चार्ली, इन द फर्स्ट क्वेश्चन उसको कह रहे हैं ठीक चार्ली, तुम ठीक आंसर कह रहे हो. अब क्या है, बट वॉट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन वो पूछ रहे हैं किस प्रकार का पेड़. नॉट द डगल्स फॉर, नॉट ओक, नॉट द सिडार, नो माई बॉय, वो कह रहे हैं कि फर ट्री नहीं है. फर ट्री मीन्स क्या है, एक प्रकार का पेड़ होता है जिसे ताड़ का पेड़ बोलते हैं, उसकी पत्तियां नोकीली होती हैं ना, फर ट्री की, वो नहीं है. ओक ट्री भी नहीं है, ओक का पेड़ भी नहीं है, नॉट द सीडार भी नहीं है, वो कह रहा है
देवदार का पेड़ नहीं है, सीडार मीन्स होता है एन एवरग्रीन ट्री विद अ हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस पेंसिल और फेंसेस बनाने के काम आता है ना, तो वो भी नहीं है। नो नो माई बॉय, नहीं वे नहीं है। इट इज अ ट्री कॉल्ड द बिसल कोन, क्या चीज है वो, एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिसल कोन पाइन, ब्रिसल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ द, कहाँ मिला मिलता है वो, अमेरिका में विलर पीक करके, पीक मीन्स चोटी होती है, पीक मीन्स चोटी, पहाड़ की चोटी होती है ना, वहां पे कहाँ पे मिलता है ब्रिसल कोन, ब्रिसल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ द विलर पार्क, कहाँ मिलता है विलर पार्क, विलर पीक इन द निविडा, कहाँ निविदा, निविदा यूएसए में, यूएसए, यू कैन फाइंड द बिसल बिसल कोन पाइन्स ऑन द विल पार्क टुडे टुडे दैट आर ओवर 400 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल पुराने हैं वो पेड़, कौन सा बिसल कोन पाइन जो पेड़ है वो कहाँ मिलेगा, विलर पीक, पीक चोटी पर मिलेगा, कहाँ निविदा यूएसए में मिलेगा, और इसको लेकर आओ जो कितने साल पुराना है, 4000 साल पुराना है। दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्लॉजिस्ट यू लाइक, अब तुम किसी डेंड्रोक्लॉजिस्ट से पूछ लो ना, डेंड्रोक्लॉजिस्ट कौन होते हैं जो हमको ये बता पाते हैं कि पेड़ों की उम्र कितनी है, क्या है वो पेड़ों में जो उसके लॉक्स होते हैं उसको उसकी जो रिंग्स उसमें पड़ते हैं उसको देख कर उन लोग उसकी एज को बता पाते हैं, तो डेंड्रोक्लॉजिस्ट यू लाइक उनसे पूछ लेना। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, अब इतना कहते ही वो बोले कि मैं ये क्या क्या उन्होंने जस्ट सेट ऑफ स्टार्ट मी ऑफ मीन्स बोलना चाहिए यहाँ पे, स्टार्ट सेट मूव सेट मी मूविंग, मुझे गति ला दिया, मतलब इतना उसने बताया, उसके बाद इनके काम में क्या हो गया, गति आ गई, स्पीड आ गया इनके काम में, है ना, ये काम में जुट गया। और कहाँ गए ये ग्लास एलिवेटर, मीन्स एलिवेटर मीन्स लिफ्ट होता है, और ये जाके पूरी दुनिया में घूम के ले आए और अलग अलग स्पेशल आइटम्स वो कलेक्ट करने के लिए चले गए। तो उन्होंने क्या क्या लेके आ रहा है देखते हैं, द पिंच ऑफ सैप फ्रॉम द 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन, पाइन जो वो ब्रिसल कोन पाइन का पेड़ था उसमें से उन्होंने एक छोटा सा उसका एक पिंच बोलने से एक नाप है ना मेजर लिया, सैप मीन्स उसका रस लेकर आए, वो कहाँ से, वहाँ से ब्रिसल कोन का 4000 साल जो पुराना था। द टू नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम द फ्रॉम अ 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड द पीटावटिक, देखिए और क्या क्या इन्होंने, एक एक किसान था जो कि कितने साल पुराना था, 168 ईयर्स का जो किसान था, रूसी, कहाँ रहता था वो, रूस में रहता था, क्या नाम था उसका, पेट्रोविथिक गेंग्रोविथ है ना, गेंग्रोविथ, इसकी वो क्या लेकर आए, अंगूठे का जो था उसके नाखून लेकर आए वो, और एन एग लेड बाय द 200 ईयर्स ओल्ड टॉर्टोइस, और एक अंडा जो 200 साल का जो टॉर्टोइस था 2 ईयर्स ओल्ड उसका लेकर आए हैं वो, द टेल ऑफ द 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और क्या लेकर आए वो, 200 साल पुराने कछुए का अंडा लेकर आए वो, और 51 ईयर्स घोड़े की पूछ लेकर आए वो, और वो क्या लेकर आए, एक ट्रम्पेट्स 36 ईयर्स का एक बिल्ली, बिल्ली की मूछ ले, वो क्या लेकर आए, बिल्ली का देखिए ओल्ड यहाँ पर एन ओल्ड, देखिए मैं फिर से आपको बताती हूँ इसको, अ पिंच ऑफ सैप फ्रॉम द 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन से लेकर आए, अ टू नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम द 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर ना, रशियन फार्मर्स की नील से कराए, और एग 200 जो टॉर्टोइस था वो 200 साल पुराना टॉर्टोइस उसके अंडा लेकर आए, और 51 ईयर्स ओल्ड इसका हॉर्स का क्या लेकर आए वो, उसकी टेल लेकर आए, और
विस्कर्स ऑफ द 36 ईयर्स ओल्ड कैट कॉल्ड द क्रम्पेट्स। जो ये क्रम्पेट्स था कौन, एक बिल्ली है ना, बिल्ली 36 ईयर्स ओल्ड बिल्ली, उसका वो लेकर आए, उसकी मूछें लेकर आए वो, है ना। एंड ओल्ड फ्ली विच, फ्ली विच मतलब आप बोल सकते हैं ये जैसे एक फ्ली है, एक इंसेक्ट्स होता है जो दूसरे इंसान दूसरे जानवरों की स्किन में पलता है, स्किन ऑफ अनदर, मतलब उनका खून पीता है वो, ठीक है। फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन द क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, जो कि एक बिल्ली के उसमें वो कितने साल तक रहा, 36 ईयर्स तक रहा, उसको लेकर आए वो लोग। द टेल ऑफ द 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम द तिब्बत, वहाँ से लेकर आए ओल्ड इतनी पुरानी बिल्ली। द ब्लैक टीथ ऑफ द 97 ईयर्स ओल्ड, और ये क्या लेकर आए हैं, 97 ईयर्स ओल्ड ग्रीमालिकिन, ये देखो क्या लिखा है, ग्रीमालिकिन यहाँ पे है, देखिए है ना, लिविंग इन द केव ऑन द माउंट पोपो पोपो कैटपिल, पोपो कैटपिल है ना। और उसका क्या लेकर आए ये लोग, 97 वर्षीय ग्रीमा लेकिन के काले दांत लेकर आए, और 700 साल पुराने है ना कटालू, और मतलब उसके आप बोल सकते हैं घुटने की उंगली के पैर की हड्डी लेकर आई है ना, कंकल बोन्स है ना, याद है कंकल बोन्स ऑफ 700 ईयर्स ओल्ड कैटालू फ्रॉम द पेरू, ये यहाँ से लेकर है कटालू के वहाँ के घुटने के हड्डी से लेकर आए वो लोग, इतनी पुरानी पुरानी चीजें वो इकट्ठा करके लेकर आया। ऑल ओवर, एक सेकंड पार्ट है इसका, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, और पूरी दुनिया में मिस्टर वोंका घूमे। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच, ये बता रहे हैं कि मैं ट्रैक मीन्स फाउंड समथिंग फ्रॉम फॉर इट, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज वो लेकर आए, कहीं से हेयर आईब्रोज, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन ऑन्स और टू टू ऑफ द जैम्स क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टू वाइल इट वॉज द स्लीपिंग, मतलब कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठी करके वो लेकर आ रहे थे, मतलब प्राचीन जो पूरे एशियन जानवर थे उनके लिया, उसको देखा उन्होंने, वहाँ से कुछ ना कुछ वो लेकर आ रहे थे, है ना। इट वॉज स्लीपिंग, आई ट्रैक डाउन, ट्रैक डाउन मीन्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं मतलब जब तक उसमें से कुछ नहीं मिला वो उसको पकड़ने तक उसका पीछा किया उन्होंने, है ना। अब चेस्ड अंटिल कॉट, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक उसका पीछा किया, इस तरीके से बोल रहा है। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बॉबलिंक, द सरपोक, द पॉलीफ्रॉग एंड द जाइंट कस करकुल, है ना, ये देखिए यहाँ पे है कसकुल, और उन्होंने ये सब क्या है इमेजिनरी एनिमल, वो आके सब बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके, और द स्ट्रिंग्स लॉग एंड द एंड वेनमस वेनमस स्क्रिकल स्क्रिकल हु कैन स्प्लिट पॉइजन राइट इन टू दर योर आई फ्रॉम द 50 यार्ड्स, मतलब और इतना पॉइजनस वाला स्नेक को जो 50 यार्ड से भी स्प्लिट करेगा अपने जहर को तो वो तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, इतनी दूर ऐसे ऐसे जानवरों को उसने देखा, बता रहे हैं वहाँ गए वो। बट देर नो टाइम टू, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए बताने का कि मैं कहाँ कहाँ गया था, बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। ये देखो कहाँ कहाँ गए थे वो, दैट आई ट्रैकल डाउन द विसल पिग, द बॉबोलिंक, द स्करॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट जायंट कसलक्यू कसलक्यू, द स्ट्रिंग स्लग एंड द वेनमस
स्विक्वेनमस सिक्वकल सिक्वकल वो स्प्लिट इतना डेंजरस स्नेक था कि वो स्प्लिट कर सकता है, मैं यहाँ यहाँ तक गया वो बोले, बट देर इज़ नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल तुमको ये सब बताने के लिए चार्ली, लेट्स मी जस्ट से क्विक दैट इट एंड, अब मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग उसको बहुत ओला बॉयल किया, उसमें से बबलिंग हुआ मीन्स झाक बबल्स पैदा हुए उसमें से, फिर उसको उन्होंने मिक्स किया हैं एंड टेस्टिंग इन टेस्टिंग मतलब उसका परीक्षण किया उन्होंने बाई जहाँ पर वो इन्वेंटिंग रूम था वहाँ पर उसका परीक्षण किया उन्होंने, आई प्रोड्यूस ऑन वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक, उसमें से क्या निकला कि स्मॉल छोटा सा कप में उन्होंने सिर्फ एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकला एंड गेव फोर ड्रॉप्स ऑफ इट टू द ब्रेव, और एक उन्होंने 20 साल के ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर था उसको उन्होंने उसको सिर्फ 4 ड्रॉप्स दिया, ठीक है। तो क्या होता है, वॉट डिड हैपन चार्ली, चार्ली पूछा क्या हुआ, इट वॉज फैंटास्टिक उन्होंने पाया बहुत अनोखा चीज हुआ क्या, क्राइड मिस्टर वोंका, द मोमेंट ही सॉलोड इट ही बिगैन ट्रिंकलिंग एंड शिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड द टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। अब 20 साल का ओम्पा लोम्पा जो था वो क्या हो गया था 75 ईयर्स का, जैसे उसने पिया तो उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए उसने और क्या होने लगा उसको वो श्रिंक करने लग गया है ना, सिकुड़ता जा रहा था और उसके दांत गिरने लग गए उसके बाल गिरने लग गए है ना, और अब जो लड़का था 20 ईयर्स का ओम्पा लोम्पा वो बन गया 75 ईयर्स का, एंड थस माई डियर चार्ली वॉज द विटा वॉन्क इन्वेंटेड, और इस तरीके से माई डियर चार्ली ये मैंने किसका इन्वेंट किया, विटा वॉन्क का इन्वेंट किया है ना, ये बता रहे हैं कहानी इस तरीके से मैंने उसको किया, इसको लिखा है रोलैंड डॉल ने इस कहानी को लिखा है।